नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के तहत मुख्य सेविका भर्ती की महिला अभ्यर्थियों ने डीवी कराए जाने की मांग को लेकर महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रही महिला अभ्यर्थियों को पुलिस बसों में बिठाकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने कहा कि पुलिस द्वारा की गई खींचातानी में कई महिलाओं को चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्तियों के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आज मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी किए जाने की मांग को लेकर महिला कल्याण बाल विभाग एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहाँ से उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। इको गार्डन में सभी महिला अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 से आई 2693 मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा 24 सितंबर पिछले वर्ष 2023 में दो पालियों में हुई थी, जिसमें अभी तक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं कराया गया। उधर इस भर्ती में संविदा पर कार्य कर रही 126 मुख्य सेविकाओं ने न्यायालय हाईकोर्ट से इस भर्ती पर स्टे ले लिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार की मनमानी एवं सुस्त रफ्तार के चलते इस भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि इस भर्ती में प्रभावित प्रदेश की बेटियों के भविष्य का फिक्र ना तो उत्तर प्रदेश सरकार को है और ना ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व संबंधित विभाग को है। कि हमारा जल्द से जल्द स्टे हटे, 4 को हमारी डेट लगी है, 4 से फिर अगली डेट नहीं लगनी चाहिए, स्टे हटे और जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, ज्वाइनिंग हो इसी साल लास्ट तक हो जाना चाहिए हमारा, बस यही हमारी मांग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी मांगें हैं जो हमारा हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, हमारी मांग ये है कि उसका पालन किया जाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और क्योंकि इसमें जो है ना, सरकार ने पहले भी हमारी 6800 की लिस्ट निकाली थी लेकिन उसमें ज्वाइनिंग नहीं दी थी, हम लोगों को टाल दिया था, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनको जो है या तो इनको निकाला जाए, या अगर नहीं निकाला जाता उनका नाम चिन्हित किया जाए ना, क्योंकि ये अधिकारी कैसे अधिकारी हैं कि जो इस तरह का घोटाला करते हैं उसके बाद भी इनको जो है कोई दंड या कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि इनको यहाँ से निकाला जाए या हटाया जाए इस पद से, आज भी वो बैठे हैं घोटाला करने के बाद। तो हमारी जो चयन मूल चयन सूची है उसको जो है पूरी सार्वजनिक की जाए, और सार्वजनिक करने के बाद हमारे जो हमारे भाई बहन माइग्रेट करने वाले हैं उनको माइग्रेट किया जाए, माइग्रेट करने के बाद जो हमारे ओबीसी का 27% SC का 21% वो पूरा दिया जाए, क्योंकि हमको पूरा आरक्षण नहीं मिला है, इसी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम योगी जी से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है, जो हमारी हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाए और जल्द से जल्द पालन किया जाए। हम लोग 4 साल से परेशान हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी हम लोग 4 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई होने वाली अभी नहीं है। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं सोना राजपूत कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो बहुत ही हमारा साफ सुथरा ऑर्डर है, इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। इससे पहले हमारी लिस्ट आई थी जो कि योगी जी के संज्ञान में आई थी, लेकिन किसी कारण वह सिंगल बेंच से थोड़ा सा पेज फंसा हुआ था, पर फिर भी हम लिस्ट बहाली के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लगातार बोला जा रहा था कि आपका केस कोर्ट में फंसा हुआ है तो उसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत ही साफ सुथरा डबल बेंच का ऑर्डर आया है, हम लोगों के पक्ष में आया है। 13 तारीख को आया था, आज 23 तारीख हो गई है, उतने समय में इनको कर लेना चाहिए था, लेकिन जो किसी भी जो लिस्ट हमारी रिवाइज होगी ना, तो इसमें कुछ है जो जनरल वर्ग के हैं वो बाहर होंगे, तो उन्हीं को समायोजित करने के चक्कर में ये समय लग रहा है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि उनको आप समायोजित करिए, किसी भी तरीके से करिए, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जो हमारी जगह है पहले लिस्ट में है वो आप लिस्ट जारी करिए और जल्द से जल्द हमारा समाधान करिए, हमें नियुक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि 4 साल से हम ये
मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, अब हमारे बस का नहीं है। और अधिकारी हमेशा ही ये बरगलाने की कोशिश करते हैं, योगी जी की कोई गलती नहीं, वो हमेशा संज्ञान में लेते हैं, बस इसीलिए इन पर हमें भरोसा नहीं है। जब तक कि हमारा काउंसिलिंग शेड्यूल नहीं जारी हो जाता है, जब तक कि हमें नियुक्ति की डेट नहीं मिल जाती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं सारे भूतपूर्व सैनिक कि हम लोगों की विशेष रूप से सुनवाई करके उन्हें नौकरी प्रदान करने का कष्ट करें। हम अपनी समस्या आपके अलावा किसको बता सकते हैं, और हम आप लोगों के कोर वोटर हैं देश के लिए। राष्ट्रवाद, हमसे ज़्यादा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है, जो हम अपनी सीमाओं पे अपने प्राणों की आहुति देने को हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज के लिए हर कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, उसके बाद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए दोषी कौन? कृपया इस पर मंथन करें और चिंतन करें और हमारे बारे में विचार करें, धन्यवाद। सर, ये देख तो रहे हैं बेबी रानी मौर्य जी का ये आवास है। हम लोग आके यहाँ पे, हम लोग जब से बैठ के सुबह से आए हुए हैं, 8:30 बजे आ गए थे, अलग अलग जिले से आए हैं, 75 जिले से अलग अलग लड़कियाँ आई हैं, सबको जो है कि अलग अलग गैदर करना एक तो इतना मुश्किल है, उसके बाद से घर वालों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग फेस करते हुए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो भर्ती है इसको स्टे मुक्त करके इसको एज सून एज पॉसिबल इस पर सुनवाई हो, ठीक है? और इसी साल एटलीस्ट अगर पॉसिबल हो तो इसी साल हम लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग मिले, इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं हम लोगों को। बहुत ज़्यादा राग लपेट करना नहीं है, और हम लोग आके यहाँ पर अपना वैसे भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, ना अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, ना सर को परेशान करना चाहते हैं, ना इतने सारे लोग, सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो किसी को भी परेशान करना अल्टीमेटली हमारा कोई इंटेंशन नहीं है सर। हम लोग बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम लोग ये भर्ती क्लियर हो जाए। अब एक के बाद एक बैक टू बैक बस सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, इतना पेशेंस नहीं रह गया सर। लड़कियाँ हैं हम लोग, सब लोग, इतना सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, किसी को शादी का प्रेशर है, किसी को घर से दूर रह रहे हो, अरे लड़की है कब तक पढ़ाओगे, तो माँ बाप भी उसमें 4 क्वेश्चन रोज़ ही सुनते हैं। ये बहुत मुश्किल है सर, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया, इतना नहीं अब सहा जा रहा है, समझ रहे हैं? ये हम लोग बस ये चाहते हैं किसी तरीके से इसको स्टे हटा दिया जाए, बस 4 तारीख को अगर ये जो डेट लगी है तो इसके बाद हमको डेट नहीं चाहिए, डेट हमें चाहिए ही नहीं, अब इसके बाद हमको फाइनल हमारा सिलेक्शन चाहिए, और ये स्टे हटा करके हमको जितना जल्दी पॉसिबल हो DV कराया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, बस यही हमारी मांग है सर। थैंक यू। कब भर्ती है सर? आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है 2021 के पेट से आई थी, ठीक है? उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2022 में अक्टूबर के मंथ में आया था, अगस्त के मंथ में आया था। उसके बाद फिर सर 23 में जो है इसका जाके एग्ज़ाम होता है, वो भी धरना देने के बाद फिर सितंबर में जाके इसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फिर 2024 में जाके इसका रिजल्ट आता है। उसके बाद सर रिजल्ट वही आंसर की आती है, तब से रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया सर DP का। उसके बाद उसमें भी पता चलता है करेक्शन है कुछ, उसके बाद फिर फरवरी में जाके आती है तो पता चलता है कि जाके कुछ संविदा कर्मियों ने इस पर स्टे लगवा दिया है। तब से सर स्टे पे डेट पे डेट लग रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, धरना देते हैं, आश्वासन मिलता है, उसके बाद फिर सर चले जाते हैं, और सुनवाई नहीं हो रही है। डेट होनी चाहिए, हम लोग चाहते हैं डेट पे वकील पहुँचे, सुनवाई हो, विभाग उचित कार्रवाई करे। जब कम से कम इतनी मेहनत से डेट हम लोग जाके लगवाते हैं फिर भी सुनवाई नहीं होती, एक साल से यही काम चल रहा है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।